मैं थप्पड़ मार दी ना, छोड़ अंदर नहीं जाना पानी। आज का ब्लॉग कौन स्टार्ट करेगा? मैं करूंगा। करो फिर। Hey guys, welcome to my new blog. तो अभी मैं गोलगप्पे बना रहा हूँ। गोलगप्पे ले रहा हूँ। कहाँ है आपके गोलगप्पे? ये है, दिखाओ पहले। बना के सर्दा खिलाओ। और ये खिला है कुनालिया। गोलगप्पा दिखाऊं आपको? नमकीन है वो। ये देखो छोटे छोटे दाने नमकीन के, इसको ये गोलगप्पे कह रहा है। वैसे हो तो टेस्टी रहे कुनाली, गोलगप्पे का जादू बहुत अच्छा है। तो ये फिलहाल मैं तो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। आज ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे चावल, बड़ी, चटनी, गोभी, ये सारा खाना ऑर्गेनिक है ना। चावल गांव के हैं, बड़ी भी घर की है, चटनी भी घर की है, सब्जी खरीद रखी है। पीयूसी किससे बात कर रहा है? पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड से बात। ये देखो गर्लफ्रेंड, देखो ये देखो फोटो, देखो कितनी लग रखी है, दिख रहा है? गेमर। नंबर मत दिखा देना। अरे व्हाट्सएप नंबर नहीं दिखता। तो अभी गाइस लंच टाइम, और लंच में आज मैं बना रही आलू के परांठे। आई थिंक आज के ब्लॉग में यही दिखेगा, सुबह खाना, फिर दिन में खाना, और रात को खाना। चलो आलू का परांठा खाओ। नहीं। क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो कुनाली? चलो ना। नहीं। आलू का परांठा बनाया बड़ी मम्मी ने? नहीं। चुपचाप खाना खा ली, नहीं तो मार खाएगा, बता रहा हूँ। उठा ले, उठा ले, जाओ पहले खाना खाओ, फिर मिलेगा। चुपचाप यहीं बैठो। यहाँ यहाँ बैठोगे? इधर बैठोगे? इधर बैठोगे? तो ऐसे बैठो, ऐसे। अगर खाना नहीं खाओगे मैं बोल दूंगा वीडियो में कि कुनाली खाना नहीं खाता है, और इसके साथ में फोटो मत खिंचाना। मम्मी जी आपके आलू के परांठे मस्त होते हैं, दुकान खोल लो। सर जोशी ब्लॉग, मम्मी आलू के परांठा सेंटर। मुँह खोलो, मुँह खोलो। लास्ट पीस कुनाली का नाम लो भाई। तो अभी का सीन ऐसा है गाइस, अभी हम पीयूष की पिचकारी छुपाने वाले हैं, जो वो नहीं लेके आया था ना, तो हम उसे प्रैंक करेंगे, छुपा देंगे। पीयूष ने अपनी पिचकारी यहाँ पर रखी हुई है छुपा के, तो इसको उठाते हैं और कहीं और छुपाते हैं। पिचकारी तो ले आया मैं, इसमें डाल के ऊपर से कपड़ा डाल देते हैं। डाल कुछ ढक दो इसके ऊपर। कहीं से खबर मिले मेरी पिचकारी छुपाई जा रही है? खबर दे रहे हैं जाके। कौन? क्या? मैंने देखा था पीयूष दादा की पिचकारी ले जा रहे। थैंक यू कुनाली भाई। इधर आ, तू इधर आ, तू निकल, तू निकल। मैं निकल। क्यों बताया रे? क्यों बताया? किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। अबे यार अभी तो हमारा प्लान फेल हो गया, कुनाली ने देख लिया मुझे पिचकारी लिया, तो कुनाली ने पीयूष को बता दिया। कुनाली पानी वेस्ट नहीं करते ऐसे, पानी वेस्ट मत करो। हाँ फिर मेरा भी भरना है, पीयूष दादा को तो भर गया था। यार पानी मत दे यार उसको। अरे मत दे, मत दे। अरे पानी है उसमें, कुनाली गिर दे फूट जाएगा। अरे मत करो, मत करो, मत करो। पानी वेस्ट मत करो भाई। अबे इसका पेट खराब है। मम्मी को बोल के आता हूँ। मम्मी पानी पानी खेल खेल रहे हैं, दोनों के दोनों गुब्बारे फुला के पानी खेल खेल रहे हैं। तो पागल तो नहीं हो गए? आज होली है क्या? बोलो उनको पानी पानी वेस्ट कर रहे हैं, पानी गुब्बारे फुला रहे हैं। ये देखो इसको भी लगाऊंगी मैं। अबे तो ज्यादा सीरियस हो गया। क्या कर रहा था? गुब्बारे फुला रहा था, भैया से पूछ लो। और मैंने इसके हाथ में फोड़ दिया इस गुब्बारे। क्यों क्यों फुला रहा गुब्बारे? बस वो क्या क्या होता है? मेरे भी मेरे मेरे मारा क्यों कर रहा है? वीडियो देख लो। मारा थोड़ी ना मैंने इसको। नहीं मारा नहीं है, मारा नहीं, मारा नहीं। देखो सुनो, देखो इसके हाथ में से गुब्बारा था, ऐसे मैंने ऐसे फोड़ दिया। मैंने क्यों लगाएगा? तू लगाएगा? इसने पूछा क्या सुबह से काम करने में हो रहे? पहला गुब्बारा इसने फुला के दिया, पहले पीयूष फुला के लाया, दूसरा मैंने हन्नू को दिया, कुनाली को इसने फुला के दिया, तीसरा इसने मतलब इसके हाथ में फोड़ दिया। इसके हाथ में गुब्बारा ऐसे फोड़ दिया मैंने, बस उसी में चिंगान हो गई। फोड़ दिया तो क्या हो गया? बड़ी बड़ी बात हो गई, हाथ में तो फोड़ा होगा। डिब्बल आ रहा है मारने के लिए मेरे को। तब चाची को पोछा लगाना पड़ रहा है। मैं गया बाहर, सबसे पहले कुनाली लगा हुआ था, कुनाली फुला रहा था, ठीक है। फिर कुनाली से फूल नहीं रहा था, मैंने कहा पानी वेस्ट मत कर। फिर साहिल ने उसको फुला के दिया, फिर साहिल ने फुला के दिया, फिर पीयूष ने फुलाया, और फिर पीयूष ने फुलाया। सुन ले ये बात, अगर पानी का खेल अंदर हुआ ही नहीं समझ ले, मैं डंडा लाके ना तेरे को भी कूटूंगी, उसको भी कूटूंगी। हाँ इतना मार दूंगी ना, याद रखेगा। मेरी बात तो सुनो यार। हाँ देखना इसका, तुम्हारी नौकर लगे हैं हम काम करने को। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सीधी सी बात है, इनको बोल दो कि होली से पहले गुब्बारा पानी का खेल नहीं करेंगे। कुछ भी होता है साहिल तो पंगे लेता ही लेता है। साहिल ने फोड़ा गुब्बारा इसका, इसके लेकिन हाथ में फोड़ा साहिल ने। साहिल ने
भाई गलती मेरी, मेरी तो कुछ भी गलती नहीं है, बिकॉज मैं तो मना ही कर रहा था कि मत फुलाओ। मजे ले रहे हो? मजे तो लेंगे यार। लेकिन गाइस कैमरे का एक फायदा है कि किसी को मार नहीं पड़ती। अगर कैमरा ऑन नहीं होता ना, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे टाइम में तो मैं इतना पीट जाता था, मैं चप्पल उठा के मम्मी जो मारती थी ना, चप्पल सुताई करती थी मेरी तो। गाइस मैं तो साहिल के साथ हूँ, बिकॉज साहिल कह रहा है कि तू मेरे ऊपर फोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कैसे लोग बदला ले रहे हैं एक दूसरे से। मम्मी जी पानी निकाल रहे, ये देखो मम्मी जी। कभी दोनों भाई थे, कभी कह दे लड़ाई करी, कभी कह दे बता दे कब करी है लड़ाई, बता दे भाई, बता दे भाई, कभी बता दे कभी लड़ाई करी हो तो, एक दिन भी कभी लड़ाई करी हो तो भाई फालतू। तो अभी गाइस लड़ाई वड़ाई सब कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ बिल्कुल शांत हो चुका है। और अभी फिलहाल पीयूष तो गया पार्क में खेलने के लिए, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ पापा जी को लेने के लिए। पापा जी आ चुके हैं फाइनली बहुत दिनों के बाद गांव से, तो उनको लेने के लिए चलते हैं। और ओरियो को भी ले जाते हैं, बिकॉज ओरियो बहुत दिनों से घुमानी है, तो ओरियो के पापा जी की याद आ रही होगी। बड़े पापा को लेने चलोगे? हाँ थार में चलेंगे। ओरियो का सबसे फेवरेट पापा जी है, तो आज ये बहुत दिनों के बाद पापा जी से मिलेगा ना, बहुत बहुत खुश हो जाएगा देखना। पापा जी को लेने के लिए हम जा रहे हैं इनोवा में, बिकॉज कम्फर्टेबल रहेगा कुनाली के लिए भी, ओरियो के लिए भी। तो भी गाइस हम आए स्काई डेक, पापा जी यहीं पे ही हैं, तो यहाँ से पापा जी को लेके जाना है। हमको लग रहा था कि पापा जी बस स्टैंड होंगे, हम बस स्टैंड गए, पापा जी कह रहे हैं मैं तो यहाँ पे हूँ बैठा हूँ। और ये देखो और ही दूसरा और ही भाई, इसका जो रिएक्शन होगा ना पापा जी को देख के, तो एक्साइटेड होगा ये। ओ भाई यहाँ तो बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। अरे ओरियो को डर लगता है बैलून से तो। डर रहा है, डर रहा है। प्रणाम पापा जी। खुश हो गया, खुश हो गया भाई, क्या हो गया, अब वो सोच नहीं पा रहा क्या करूँ। कुछ नहीं बस कुनाली, कुनाली बताओ क्या खाओगे? तो अभी कुनाली खा रहा है इसके फेवरेट क्रिस्पी कॉर्न। तो भी गाइस थोड़ा बहुत खा लिया है, अब चलते हैं सीधा घर। देखो तुम मस्त सजा रखे हैं यहाँ पे, बर्थडे पार्टी आज किसी की। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और मम्मी जी पापा जी आ चुके हैं फाइनली। ये तो अपने यहाँ पे वीडियो बना रहा है, गेमिंग वीडियो, कुछ दिन का हो रहा है, फिर तो तेरे स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। इतना परांठा नहीं खाते। अरे इतना तो गाइस दोबारा लड़ रहे हैं वही परांठा के लिए। पीयूष और साहिल तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। फिर हम डिनर करते हैं, डिनर रेडी हो गया, आज पापा जी भी हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। बोलो। तो गाइस अभी मैं होटल गया था। क्या खाया था आपने? पनीर टिक्का और मटर बिरयानी। बिरयानी क्रिस्पी कौन थे वो? तो भी गाइस रात के 12 बज गए, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बिकॉज अब मुझे सोना है, बिकॉज कल सुबह जल्दी उठना, बिकॉज कल कीर्तन है, तभी अभी जल्दी से काम कंप्लीट को अपलोड पे लगाता हूँ और फिर सोता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। उधर का ले कैमरा, ले कैमरा, वीडियो बनाना सीख रखा है बस, और कुछ नहीं, बच्चों को छेड़ता है। मैंने क्या छेड़ा? देखो मेरी बात सुनो, कैमरे में सब कुछ है, कैमरे में सब कुछ है। मैं गया बाहर, सबसे पहले कुनाली लगा हुआ था।